गैस पर जो कम किया है वो केवल 4-5 रुपए से एक सिलेंडर पर कम होने ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ लगातार 4-5 वर्षों से मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा वित्तीय घाटा बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष भी 12,215 करोड़ का राजकोषीय घाटा हो रहा है। राष्ट्रीय जो सकल घरेलू अनुपात है उत्पाद, उस वो भी उत्पाद राष्ट्रीय से बहुत कम है, इसलिए मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य में धकेल दिया है और पूरे कर्जे में लाद दिया है। अब कोई भी मध्य प्रदेश सरकार की साख नहीं बची है कि कोई भी संस्था इसको कर्ज दे।